नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि घर पर दाना मेथी को किस तरह से स्प्राउट करें, और इसके स्प्राउट करने के हम आपको तीन अलग अलग तरीके बताएंगे। तीनों तरीकों के हम आपको डेली अपडेट देंगे कि कितना पानी इसके अंदर डालना है और किस तरह से इनको रखना है, ये हम आपको बताएंगे। और लास्ट में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें ज़रूर बताना कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। दाना मेथी स्प्राउट करने से पहले हम आपको बताते हैं इसके मूल गुण क्या होते हैं। वैसे तो दाना मेथी में बहुत सारे गुण होते हैं, और यदि इसको हम स्प्राउट करके खाते हैं तो उसका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें कौन कौन से क्या क्या हमारी बीमारियों में हमारे को फ़ायदा देती है, मैं आपको बताती हूँ। यदि आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल को ये काफ़ी कंट्रोल करती है। इसी के साथ किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कंट्रोल करती है। और यदि किसी को पित्त की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो यदि दाना मेथी स्प्राउट खाएंगे तो आपके पित्त की प्रॉब्लम भी कंट्रोल में रहेगी। आइए दाना मेथी किस तरह से स्प्राउट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दाना मेथी स्प्राउट करने के लिए मैं आपके साथ तीन तरीके जो शेयर कर रही हूँ, उसमें पहला तरीका हम इसको बॉटल में उगाएंगे, दूसरा हम छलनी में स्प्राउट करेंगे, और तीसरा हम कपड़े में स्प्राउट करेंगे। तो इन तीनों को स्प्राउट करने के लिए हमने तीनों बॉल में क्वार्टर क्वार्टर कप हमने दाना मेथी ली है। तीनों दाना मेथी को हमने पहले से धो लिया है, और अभी इसको उगाने के लिए हम इनमें पानी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बॉटल में आप किस तरह से दाना मेथी को उगाएं। उसके लिए हमने बॉटल में छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं, बिस्लरी की बॉटल अगर होती है वो ले लें। उसके अंदर चाकू गर्म करके गैस के ऊपर चाकू को गर्म कर लें, और उसके ऊपर जैसे ही आप लगाएंगे इस तरह से होल हो जाएंगे। दाना मेथी को स्प्राउट करने से पहले 10 से 12 घंटे तक दाना मेथी को भिगा के रखना पड़ता है। बॉटल में होल करने के समय हमने 4 अंगुल का एरिया इधर छोड़ दिया था, तो बॉटल के अंदर ही हम दाना मेथी को डाल देंगे और उसी में भिगा करके रख देंगे। तो सबसे पहले हम जो दाना मेथी जो क्वार्टर कप अपने ली है इसको बॉटल के अंदर डाल देते हैं। दाना मेथी को हमने पहले धो लिया साफ पानी से 2-3 बार। अब इस दाना मेथी को हम एक फर्नर कोई भी लगा ला उसके अंदर से आप दाना मेथी अंदर डाल सकें। दाना मेथी इजीली बॉटल के अंदर चली जाती है। ये क्वार्टर कप दाना मेथी थी वो हमने पूरा इसके अंदर हमने डाल दिया है। अभी इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसी के अंदर हम भिगा रहे हैं। ये हमने 4 अंगुल तक लगभग पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अभी इसको हम ढक्कन लगा करके रख देंगे, और दाना मेथी 12 से 15 घंटा तक इसी के अंदर भीगती रहेगी। उसके बाद में कल हम बताएंगे आपको इसके आगे क्या करना है। अभी मैं बताती हूँ छलनी में ग्रो करने के लिए हम दाना मेथी को किस तरह से भिगाएंगे, क्योंकि छलनी के अंदर तो हम भिगा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दाना मेथी को 12 से 15 घंटा तक पानी के अंदर भिगा के रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमने ये बॉल लिया है। बॉल के अंदर हमने दाना मेथी क्वार्टर कप ली है, और इस दाना मेथी को हमने साफ 2-3 पानी से धो लिया है। अभी इसके अंदर हम साफ पानी डाल करके दाना मेथी को इसी बॉल के अंदर भिगा करके रख देंगे। यदि हम छलनी में डाल के रखेंगे तो छलनी का पानी निकल जाएगा और हमारी दाना मेथी भीगेगी नहीं, इसीलिए हमने बॉल में इसमें भिगा के रखा है। कल मैं आपको फिर बताऊंगी कि दाना मेथी को छलनी में किस तरह से भिगाते हैं। इसी तरह तीसरा तरीका यह है कि हम कपड़े के अंदर इसको उगाएंगे, स्प्राउट करेंगे। तो कपड़े के अंदर स्प्राउट करने के लिए कपड़े के अंदर तो हम इसको भिगा के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पानी पूरा निकल जाएगा। इसीलिए हमने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर हम पानी डाल देंगे। इसके अंदर भी हमने क्वार्टर कप ही दाना मेथी ली है, और इस दाना मेथी को हमने पहले धो लिया था। अभी इसके अंदर इस तरह से भिगा करके दाना मेथी को पूरा और लगभग 12-15 घंटे के लिए भिगा करके रख देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कल कि कपड़े के अंदर दाना मेथी को किस तरह से स्प्राउट करें। दाना मेथी को भिगाए हुए लगभग हमारे को 15 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि लगभग भीग करके डबल हो गई है, और बहुत अच्छे से भीग के तैयार हुई है। अब इस दाना मेथी को ग्रो करने के लिए हम इसमें जो पानी डाला हुआ है उसको हम निकाल देंगे। अभी सबसे पहले हम ये बॉटल है, इस बॉटल में से पानी बाहर निकाल देते हैं। बॉटल्स के होल है किए हुए, होल में से आराम से पानी निकल जाएगा। ये दाना मेथी के पानी को हम गिराएंगे नहीं, क्योंकि दाना मेथी का पानी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो इस पानी को आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका पूरा पानी निकाल देना है, जिससे कि दाना मेथी बहुत अच्छी ग्रो होगी। दाना मेथी को अभी पानी एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं चाहिए, इसका पूरा पानी निकाल दे। पूरा पानी निकल गया दाना मेथी में से। अब इसको बॉटल को ऐसे ही रख देंगे, और इसमें दाना मेथी आराम से ग्रो हो जाएगी। और इसके अंदर हमारे होल किए हुए हैं सब जगह,
तो यहाँ से एयर अंदर जाती रहेगी और दाना मेथी बहुत अच्छी ग्रो होगी। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये जाली का हमने जर लिया है, इस जर के अंदर हम ये दाना मेथी का ये डालेंगे और इस दाना मेथी का पानी निकाल देंगे। पानी पूरा निकालना ज़रूरी है, पानी पूरा निकाल दिया हमने, आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर हम दाना मेथी को स्प्राउट होने के लिए रख देंगे। ये ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे कोई तरह की डस्ट, मच्छर, मक्खी कोई इसके लगे नहीं और ये आराम से अच्छे से ग्रो हो जाए। और दाना मेथी ये जर है, इसके बाहर में छोटा छोटा होल्स है, इसमें से एयर आराम से जाती रहती है और ये बहुत अच्छा ग्रो होकर तैयार होगा। वो इसी बाउल के अंदर कोई भी बाउल नीचे रख दें, उसके ऊपर इस तरह से रख दें और दाना मेथी अच्छे से ग्रो होती रहेगी। तीसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये हमने साफ कपड़ा लिया है, एक कपड़ा ले लें आप, कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, जिससे पानी आराम से निकल जाए। इसमें से इसमें दाना मेथी डाल देंगे। अब इसके ऊपर एक गांठ लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गांठ थोड़ा ढीला रखने का है। तो दाना मेथी को स्प्राउट होने के लिए जगह चाहिए, इसलिए थोड़ा दूर गांठ लगाते हैं इसको, और इसको इस तरह से उल्टा करके इसी बाउल के अंदर ऐसे रख देंगे, जिससे आराम से अच्छे से ग्रो हो जाए। ये तीनों तरीकों आपको हमने बताए अलग अलग तरीके से। आज पहले दिन हमने इसमें कोई तरह का पानी मिक्स नहीं किया है, जो इसके अंदर पानी था वो भी हमने बाहर निकाल दिया है। और इसके अंदर से जो पानी निकला है उसे हम फेंकेंगे नहीं, कि उसको पी सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पानी जो इसमें निकला है इस पानी को पी सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल पानी है। यदि शुगर के पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो उसकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहती है, और सुबह में वैसे भी दाना मेथी रात को भिगा करके एक चम्मच सुबह में उसका पानी पीना चाहिए। तो ये पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको यूज़ करेंगे। अभी वापस हम कल इसको चेक करेंगे, आज तीसरा दिन है, अभी वापस चेक कर लेते हैं कि हमारी मेथी कितनी ग्रो हुई है। सबसे पहले हमने जो जाली में किया है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए मेथी के अंदर से रूट्स निकलने लग गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे, सभी मेथी में से थोड़े थोड़े रूट्स निकलने लग गए हैं, वाइट कलर के, आप देख सकते हैं रूट्स अच्छे निकलने लग गए हैं इसमें से। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके वापस रखेंगे, जिससे कल तक और भी ज़्यादा रूट्स इसमें से निकल जाएंगे। देखिए आप हिला के दिखाती हूँ मैं हल्का हल्का आपको, सभी में रूट्स बहुत अच्छे निकलने लग गए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ढक्कन लगा के वापस, इतना थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक डेढ़ टेबल स्पून जितना पानी, थोड़ा हल्का सा छिड़क देंगे इसके ऊपर बस, और इसको वापस ढक्कन लगा के रख देंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालना जरूरी, जिससे थोड़ा पानी डालेंगे तो बहुत अच्छी ग्रो होगी। अभी मैं आपको कपड़े में जो हमने डाल के रखा है उसको बताती हूँ मैं खोल के, कपड़े में भी है वो, उसमें भी हल्के हल्के देखिए सभी मेथी में से रूट्स निकलने लगते हैं, वाइट कलर के रूट्स आप देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा सा पानी लेकर के, एक टेबल स्पून जितना पानी लेकर के इसके ऊपर छींटे लगा देंगे खाली, बस ये इतना ही डालने का है, और इसको वापस गांठ बांध के रख देंगे। घर पे आप जब स्प्राउट करते हैं तो इसको मैं आपको तो दिखाने के लिए खोल रही हूँ, बाकी ये बंद होता है गांठ ऐसे बंद किया हुआ, उसके ऊपर से भी आप इसे छींटे डाल सकते हैं तो वो अंदर से गीला हो जाएगी, आपको गांठ बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं आपको खोल रही हूँ, बाकी ऐसे इधर रखते हैं इसमें तो इसके ऊपर से भी आप छींटे डालेंगे इधर से तो पानी अंदर तक पहुंच जाएगा, इधर छींटे डालने के पानी अंदर तक पहुंच जाएगा आराम से। बाद में आप दो तीन दिन के बाद में इसे देख सकते हैं। इसी तरह बॉटल में भी देखिए आप, बॉटल में भी आपको रूट्स दिख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे रूट्स निकल आए हैं बॉटल में, बॉटल में भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। अभी इसमें भी एक टेबल स्पून जितना पानी इसमें डाल देते हैं, एक टेबल स्पून पानी है इसमें डाल देते हैं बस, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे, हल्का सा हिला देंगे जैसे सभी दाना मेथी में पानी लग जाए। फिर उसके बाद में इस बॉटल को आप ऐसे इस तरह सुला के रख सकते हैं अभी, क्योंकि अभी मेथी जितना फैल के रहेगी ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगी। बॉटल को फिर आप सुला करके रख दें, इसमें यदि पानी होगा ज़्यादा तो वो बाहर निकल जाएगा होल में से, और आपकी मेथी कल तक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो करेगी। अभी इन तीनों को हम कल वापस चेक करेंगे। मेथी को ग्रो किए हुए आज हमारा चौथा दिन है, अभी इसको खोल के देख लेते हैं और इसको प्लेट में निकाल देते हैं। बोतल को भी काट के निकाल लेते हैं, बोतल का ऊपर का ढक्कन खोल के बाहर नहीं निकाल सकते इसको भी।
जैसा कि आपको याद होगा, हमने दाना मेथी को ग्रो करने के लिए तीनों में क्वार्टर कप दाना मेथी रखी थी और तीनों में तीनों दिन हमने एक एक टेबल स्पून, एक डेढ़ टेबल स्पून पानी सब में बराबर डाला था। फिर भी बॉटल में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है और काफ़ी अच्छी इसकी जो जड़ें वगैरह है वो काफ़ी अच्छी निकली है। इसमें भी वॉल्यूम में थोड़ा कम, इससे कम ग्रो हुआ है और इनका वॉल्यूम दोनों का बराबर है। कपड़े वाले का वॉल्यूम और जाली वाले का वॉल्यूम लगभग बराबर है। तो हमारे तीनों तरीके से बताने का रीज़न यही था कि आपको मालूम पड़ सके कौन से तरीके से ज़्यादा फास्ट ग्रो होता है और वॉल्यूम में ज़्यादा ग्रो होता है। और दूसरा ये है कि जब ये ग्रो करते हैं उसका मौसम पे भी डिपेंड करता है। यदि आपके उधर मौसम ज़्यादा गर्म है तो ये फास्ट ग्रो होते हैं, यदि मौसम ठंडा है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इन सब में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।